अज्ञात चोरों ने पाइप और टैंक के गोदाम से लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पहले गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की, उसके बाद ऑफिस का शीशा तोड़कर अलमारी से तकरीबन 24.5 लाख रुपए चुरा ले गए। गोदाम मालिक ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। ये मामला रुड़की का है, जहां आजाद नगर चौक के पास उपकारागार के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक का बड़ा गोदाम है। गोदाम मालिक नवीन गोयल ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके गोदाम के अंदर घुसकर ऑफिस का शीशा तोड़कर अलमारी से तकरीबन 24.5 लाख की नगद चुरा ली। नवीन ने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की, जिससे उनकी पहचान न हो सके। नवीन ने बताया कि उन्होंने समय रहते ही इस मामले की शिकायत पुलिस में की। वहीं नवीन के साथी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ये पूरा पौश इलाका है और गोदाम के सामने ही उप कारागार भी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। सत्येंद्र ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाए। सुबह हम आए हैं ऐसे नॉर्मल अपना जिस तरह रूटीन में आते हैं, और फिर अपने दो शटर लगे हुए, दोनों ब्लॉक थे हमारे। अंदर आके शटर खोल के देखा तो हमारा ये सामने वाला शीशा ये टूटा हुआ था, तो हमने सोचा कि ये टैंक गिर के शीशा टूट गया होगा। हमने जब भी विश्वास नहीं कि चोरी हो गई, अंदर आके देखा तो ये प्लेट सेट पड़ा था यहाँ पे, ये मार के वो मार के पुलिस ले गई है, क्या करते हैं उसे तोड़ के शीशे को। अंदर आके देखा तो सा पेपर वगैरह तो मुझे लगता नहीं कोई लेके गए हैं, लेकिन ये है कि कैश सारा उठा ले गया। अब 3-4 दिन का कैश इकट्ठा हो गया था मेरा 24.5 के आसपास, 24-24 के आसपास है, और बस सारा ही ले गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।